भगवान सुदर्शन महाराज जी की जयंती के अवसर पर सुदर्शन समाज द्वारा एक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ चंद्रपुर के तत्वाधान में आयोजित महर्षि सुदर्शन महाराज के मंदिर का उद्घाटन, मूर्ति स्थापना एवं जयंती महोत्सव का सफलतापूर्वक समापन किया गया। दिनांक 8 नवंबर से दिनांक 12 नवंबर तक संपन्न हुए 5 दिवसीय जयंती महोत्सव में विभिन्न शैक्षणिक, विभिन्न सामाजिक क्रीड़ा स्पर्धाओं का आयोजन, जैसे दौड़ स्पर्धा, संगीत कुर्सी स्पर्धा, सामान्य ज्ञान स्पर्धा, शुद्ध लेखन स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा के साथ अन्य स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। साथ ही आरोग्य शिविर, रक्तदान शिविर, मूर्ति स्थापना, मंदिर का उद्घाटन, अतिथियों का स्वागत, गुणवंत विद्यार्थियों का स्वागत सत्कार, पुरस्कार वितरण समारोह भी संपन्न हुआ तथा इस दौरान नव योग जागरण ग्रुप द्वारा जगराता महाप्रसाद के प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख अतिथियों के रूप में इसके उद्घाटक के रूप में भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सदस्य, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के राज्य मंत्री दिलीप जी हाथीबेट, पूर्व लोकसभा सांसद हंसराज अहिर, चंद्रपुर विधानसभा के विधायक किशोर जुर्गेवार, भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश परिहार, पूर्व सेवानिवृत्त सहायक पुलिस अधीक्षक रामदास रेवते, समाज सेवी डॉक्टर गोपाल मुंदड़ा, बैंक ऑफ इंडिया बाबूपुर शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक डीडी नंदनवार के साथ अनेक मान्यों में चंद्रपुर के सहायक आयुक्त सरनाईक, मनपा के स्वच्छता निरीक्षक गर्गेलवार के साथ अनेक मान्यवर मौजूद थे।